जी मिश्रा जी, बहुत 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 धन्यवाद मैडम, हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको। हमने शोरगुल नहीं किया जब मिसेस सड़ंगी जी ने अपना लंबा अभिभाषण दिया। आश्चर्य तो मुझे ये हो रहा है कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जो उस स्टेट में काम की हुई है, उनको ये संज्ञान होना चाहिए कि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार में जो काम होता है वो स्ट्रिक्टली बाय द रूल होता है। आज तक कभी किसी रूल का वहाँ उल्लंघन नहीं हुआ है, इसीलिए 22 वर्ष से उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक जी को बार बार चुनाव मैडम मैं 2 मिनट में आपको बता दूं, जो आदरणीय सांसद महोदय ने बोला बिल्कुल गलत बोला है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के NOC के साथ काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसमें ASI भी शामिल थी। दूसरी बात, तीसरी बात, कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं। मैडम आप जानती हैं कि वहाँ पर महिलाओं को कितना कष्ट होता है जब जाती हैं, जब महिलाएं भक्त जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो 2 मेल टॉयलेट 2 फीमेल टॉयलेट बन रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा नवीन बाबू पे है, इसीलिए 5-5 बार मुख्यमंत्री बने, मंदिर पे आँच आने का मतलब ही नहीं है। मैं तो गुजारिश करूंगा मैडम से, इनके कंस्टिट्यूएंसी में मैं गुजारिश करूंगा, इनके कंस्टिट्यूएंसी में लिंगराज मंदिर है, वहाँ कुछ काम कराएं, ताकि अच्छे काम को रोकें।